हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल एक बार फिर आपके साथ, और आज हम 20 रुपए से कम के तीन पैनी स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये तीनों ही स्टॉक्स हम ऑलरेडी पहले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बताएंगे कि इन तीनों ही स्टॉक्स को आपको बाय करना है, यानी कि एवरेजिंग डाउन करनी है यहाँ पर, होल्ड करना है, या फिर आपको सेल आउट करके बाहर आ जाना है। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपके लेबल्स अपने नोट करके रख लीजिएगा भी जहाँ भी चाहें, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपको बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से ये तीन पैनी शेयर्स हैं जो कि फिलहाल 20 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहे हैं? तो पहला दोस्तों जो स्टॉक है उसके बारे में हम बता देते हैं, अर्बन मोरे कैपिटल। अर्बन मोरे कैपिटल के बारे में हमने काफ़ी टाइम पहले आप सभी को डिस्कस किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में एक बड़ी वीकनेस आई। हालांकि जिस वक्त दिसंबर जनवरी तक एक अच्छी तेजी थी मार्केट में, बट उसके बाद लास्ट ईयर फरवरी फर्स्ट के बाद जो मार्केट ने कोलैप्स होना शुरू किया, इस साल 2018 में फरवरी के बाद जो कोलैप्स होना शुरू किया, उसके बाद से मार्केट संभला नहीं और स्टिल अभी भी गिरावट आ रही है। और जिसमें कि फिनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा बुरी तरह से पिट रहा है। तो क्या अर्बन मोरे कैपिटल हमें होल्ड करना चाहिए, क्या फ्यूचर में इसके रिकवरी के चांसेस हैं, और कैसे इसके फंडामेंटल थे वो हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके टेक्निकल व्यू पॉइंट बता देता हूँ। सो अर्बन मोरे कैपिटल फिलहाल जो स्टॉक चल रहा है वो लगभग 16.55 रुपीज़ पे चल रहा है, और इसका अगर हम लोग वीकली जो भी सपोर्ट लेवल अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ से लगभग 16 रुपये पे एक बड़ा सपोर्ट लेवल है अर्बन मोरे कैपिटल का। और मंथली अगर लॉन्ग टर्म को प्रोस्पेक्टिव की थी गया तो 16 रुपीज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ऑफ द अर्बन मोरे ऑन द मंथली चार्ट। यानी कि अगर अक्टूबर मंथ में ये 16 रुपीज़ से ऊपर बंद होता है और नवंबर मंथ में मार्केट में एक तेजी आती है, तो ये स्टॉक भी मार्केट के साथ आपको तेज होता हुआ या ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर 16 रुपीज़ के नीचे ये स्टॉक काउंटर बंद हुआ, तो ये स्टॉक उसके बाद लगभग 12 रुपये तक भी जा सकता है। तो आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, 16 रुपीज़ इसका मेजर सपोर्ट लेवल है मंथली चार्ट पर। अगर 16 टूटा और नीचे की क्लोजिंग आती है मंथली चार्ट पे, तो आपको ये 12 रुपीज़ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके फंडामेंटल्स कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक बार जरूर बताऊंगा। सो दोस्तों, अर्बन मोरे कैपिटल, यहां पर हम लोग एक बार अर्बन मोरे कैपिटल के बारे में बात करेंगे, और जस्ट अ मोमेंट। अर्बन मोरे कैपिटल एंड द मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो ये काउंटर है और इसका हम लोगों ने एक बार मनी कंट्रोल पे हमने ये खोला है इसको। बीएससी कोड इसका 511 और 589 है। ये केवल बीएससी में ही ट्रेड करता है काउंटर। 16.75 रुपीज़ पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है ये। इसके अलावा अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम लोग बात करते हैं, सो गाइज, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे लगभग 48.8% जो है वो जो भी प्रमोटर्स हैं उनके पास है, और उसके अलावा पब्लिक के पास एक बड़ी होल्डिंग है जो कि लगभग 20.26% की, और रेस्ट एनी अदर्स जो हैं, जो कि NBFCs हो सकते हैं या कुछ बड़े निवेशक हो सकते हैं, उनके पास 30.86% का स्टेक ओन है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं अर्बन मोरे के बारे में, सो गाइज, अर्बन मोरे का जो डेट स्ट्रक्चर है ये हम एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर कंपनी का जो डेट है वो लगभग ऑल डेट फ्री है, जीरो डेट है कंपनी का, और ये बहुत अच्छी बात है कि नेटवर्थ और जो रिजर्व्स है कंपनी के पास काफ़ी अच्छे हैं। सो डेट प्रोस्पेक्टिव से कंपनी बहुत बढ़िया है, जीरो डेट की कंपनी है, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का अच्छा है, 62 करोड़ रुपीज़ का है। साथ ही अगर बुक वैल्यू देखेंगे आप, तो बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट के साथ ये काउंटर आपको मिल रहा है। लगभग 40 की बुक वैल्यू है इसकी 2018 में, और अभी फिलहाल काउंटर आपको 17 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। तो तकरीबन आपको 1/3 प्राइस में ये काउंटर इस वक्त अवेलेबल है, 1/3 प्राइस में आपको ये काउंटर मिल रहा है, और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर ये इस समय अवेलेबल है। क्यों, इसके जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। अगर हम बात करते हैं मार्च 18 की, तो दोस्तों मार्च 18 में काउंटर का जो टोटल नेट सेल्स था 98 करोड़ का था, जबकि लास्ट ईयर मार्च में केवल 49 करोड़ का ही था। तो दुगना हो चुका है काउंटर का इस कंपनी का जो भी नेट सेल्स है। साथ ही प्रॉफिट पिछली बार 5 करोड़ का ही प्रॉफिट था, और इस बार बढ़कर 31 करोड़ का पहुंच गया, यानी कि लगभग 6 टाइम प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। और अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो 5 करोड़ से बढ़कर नेट प्रॉफिट लगभग 25.22 करोड़, यानी 5 गुना प्रॉफिट इसका नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है। सो काउंटर बहुत बढ़िया है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही मार्केट में तेजी आएगी, ये काउंटर भी आपको फैंटेस्टिक परफॉर्मेंस दे सकता है। गिरावट का रीज़न रहा है कि जो जून क्वार्टर है
वहाँ पर थोड़ा सा, हालांकि फिर भी लास्ट जून क्वार्टर तो बेटर है, लेकिन मार्च के मुकाबले क्वार्टर एंड क्वार्टर में ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स पोस्ट किए थे कंपनी ने। साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर में वीकनेस भी है। जून 18 में कंपनी ने 21 करोड़ की सेल्स डिक्लेयर की थी, जबकि लास्ट जून में जून 17 में 13.63 करोड़ की सेल्स डिक्लेयर की थी। साथ ही प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जहाँ पर लास्ट जून में 1.5 करोड़ के ही प्रॉफिट थे, इस बार 4 करोड़ के प्रॉफिट हो चुके हैं, लगभग 3 टाइम्स प्रॉफिट इंक्रीज हो चुके हैं। एंड उसके अलावा ईपीएस की बात करते हैं, 0.34 से बढ़ के ईपीएस 1.65 ईयर ऑन ईयर ग्राउंड पे, और मंथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे मार्च में 9.93 का ईपीएस था, जो कि अब बढ़ के 1.65 हो गया। सो ओवरऑल फंडामेंटल बहुत शानदार है कंपनी की, एक छोटी सी कंपनी है, और मुझे लगता है कि आपको अवन मोरे कैपिटल होल्ड करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द राइट का अभी एट प्रेजेंट जो मार्केट है वो काफ़ी अंडर प्रेशर है और गिरावट है, वीकनेस है। तो अगर ये काउंटर 12 रुपए तक भी जाता है, और अगर आपका जो होल्डिंग का टेन्योर है वो अगर अगले लगभग 3 साल के लिए है मिनिमम, तो आप इस काउंटर में लगभग अगर 12 रुपए का लेवल आता तो एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं। सो अवन मोरे कैपिटल में दोस्तों मैं आप लोगों को होल्ड की सलाह दूंगा कि आप अवन मोरे कैपिटल में होल्ड कर सकते हैं, ये एक अच्छा काउंटर है विद ए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। इसके अलावा हम लोग दूसरे काउंटर पर आते हैं, दूसरा काउंटर है केसर पेट्रो प्रोडक्ट, और केसर पेट्रो प्रोडक्ट जो है ये काउंटर केमिकल एंड ऑर्गेनिक सेक्टर का स्टॉक है, केमिकल एंड ऑर्गेनिक सेक्टर का काउंटर है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिली है, और कहां तक इसके सपोर्ट लेवल थे ये हम आपको एक बार जरूर डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तो यहां पर अवन मोरे यहां पर जो केसर पेट्रो है इसमें मंथली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि 12.57 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए अक्टूबर मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मंथली इसका बड़ा सपोर्ट लेवल था वो तकरीबन 12.35 रुपये, 12.50 रुपये, 12.50 रुपये का बड़ा सपोर्ट लेवल है, या तो आप इसको मान सकते हैं चूंकि अभी 11.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो अभी 2-3 दिन मार्केट में ट्रेड होना है। आई थिंक आज जो डेट है वो 26 की है, और अभी जब मार्केट 30 जो अक्टूबर मंथ होगा 31 की क्लोजिंग है उसकी, तो होपफुली अगर 12 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो यहाँ से आप केसर पेट्रो में रिवर्सल को देख सकते हैं। ओके, ऑलरेडी काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपर लेवल से, लेकिन काउंटर बहुत अच्छा है, मुझे इस काउंटर के अंदर किसी भी तरह की कमजोरी फंडामेंटल्स के हिसाब से नज़र नहीं आती। हाँ, इस काउंटर को गिरने का एक रीज़न जरूर मैं आपको बताऊँगा, और वो रीज़न है क्रूड के बढ़ते दाम। यहाँ पर ये बेसिकली जो केसर पेट्रो है ये एक पिगमेंट सेगमेंट की कंपनी है, और जो पिगमेंट कंपनीज होती हैं उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड ऑयल होता है, यानी कच्चा तेल जो होता है वो उनका रॉ मटेरियल होता है। अब यहाँ पर जब इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और उसके दो रीज़न है, एक तो रुपी का डेप्रिशिएशन, क्योंकि इनको इंपोर्ट करना पड़ता है तो ज़्यादा, अब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो इनको ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ रही है, साथ ही एप्रिशिएशन ऑफ द क्रूड ऑयल, तो क्रूड का एप्रिशिएशन हो रहा है, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो दोनों तरफ से दोहरी मार पड़ रही है कंपनी के ऊपर। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, जितने प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी फर्क आ रहा है। यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हम देखेंगे केसर पेट्रो के, तो लगभग 64% के आसपास स्टेक प्रमोटर्स ओन कर रहे हैं, और 27.87% जो है वो इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं, साथ ही 8% जो स्टेक है वो एनी अदर्स के पास है, जिसमें NBFCs या कुछ बड़े प्रमोटर, कुछ बड़े निवेशक हो सकते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल्स की बात करते हैं हम लोग, और आपको कंपनी का डेट के बारे में मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पर हम लोग डेट के बारे में बात करेंगे कंपनी के कि कितना कर्ज है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर केवल 43 लाख का कर्ज है, जो कि पिछले बार 4.65 करोड़ का कर्ज था। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना कर्ज खत्म कर दिया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन चुकी है, 90 करोड़ का डेट वर्थ है कंपनी का, जबकि 81 करोड़ की रिजर्व्स हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत बढ़िया हैं, इसके भी शानदार हैं। बुक वैल्यू जहां पर लास्ट ईयर कंपनी की बुक वैल्यू 6.22 थी, वहीं मार्च 18 में बुक वैल्यू बढ़कर 9.38 पहुँच गई है। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस 4.63 करोड़, इन्वेस्टमेंट भी लगभग 5 करोड़ का है, जो कि आप देखेंगे पिछले 5 सालों में इनका बहुत तेज़ी से शार्पली बढ़ा है। 2014 में जहां पर कंपनी का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, वहीं 2018 में बढ़ के 5.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी का हो चुका है। इसके अलावा एनुअल नंबर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। 177 करोड़ की टोटल सेल्स रही है 2018 में, जबकि 2017 में 173 करोड़ की ही सेल्स रही थी, तो ऑलमोस्ट फ्लैट सेल्स रही है 2018 में। प्रॉफिट जो थे वो 25 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ पहुंच गए थे, और नेट प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़कर लगभग 50% इंक्रीज हुआ, और 30 करोड़ 55 लाख के आसपास का प्रॉफिट पहुंच गया है। उसके अलावा अगर हम आपको क्वार्टरली नंबर्स की बात करते हैं, तो जो जून क्वार्टर के नंबर है इसमें अगर आप देख सकते हैं,
जून 18 में कंपनी ने जो नेट सेल्स दिया था 49 करोड़ 74 लाख का था, जबकि जून 17 में 42 करोड़ 60 लाख का था। इसके अलावा जो प्रॉफिट था वो जरूर डिक्लाइन हुआ है लास्ट जून के मुकाबले इस जून में, क्योंकि लास्ट जून में क्रूड काफ़ी लोअर प्राइस पे था और अब हायर रेट पे इस वक्त क्रूड का प्राइस है। पिछले साल लगभग 10 करोड़ का मुनाफा था, इस बार लगभग 3-2.5 करोड़ के आसपास का मुनाफा रह गया है। क्वार्टरली भी अगर बात करेंगे तो मार्च में भी जो मुनाफा था इनका 7.5 करोड़ के आसपास था। सो Q1 YoY दोनों ही लेवल्स पर जो बॉटम लाइन है उसमें काफ़ी फर्क पड़ा है ड्यू टू हायर क्रूड प्राइस, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो डिमांड है वो बढ़ी है, यानी सेल्स इंक्रीज हुई है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्रीज हुए हैं ड्यू टू हाई क्रूड प्राइस, जो कि रॉ मटेरियल इनका जो है उसका जो है वो रेट जो है बढ़ चुका है। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस तरह से कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पर हम लोग आपको क्वार्टरली दिखाएंगे, यहाँ पर आप क्वार्टरली देख पाएंगे कि कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल जहाँ पिछली बार 28 करोड़ का कंजम्पशन था वहाँ पर अब बढ़ के 40 करोड़ का कंजम्पशन हो गया था। क्यों? 12 करोड़ का कंजम्पशन बढ़ गया, और वही 12 करोड़ आप अगर देखेंगे अगर यहाँ पर प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं आप तो 12-14 करोड़ के आसपास का इनका एक्स्ट्रा जो 12 करोड़ बढ़ा है वो अगर आप प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं तो लगभग 14 करोड़ के प्रॉफिट के आसपास कंपनी को होता एस पर जो भी इनका इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। तो लेकिन क्रूड का प्राइस हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, जब क्रूड प्राइस फॉलिंग में आएगा ये चीज़ें सस्टेन करेंगी, उसके बाद टाइम लगेगा, अगले 2-3 क्वार्टर्स लगेंगे, बट ये कंपनी आगे चल के सस्टेन करेगी और अच्छा मूवमेंट भी दे सकती है। लेकिन साथ के साथ मैं एक बहुत ही फेयर एडवाइस ये कर दूं कि अगर स्टॉक इस महीने 11 रुपए के नीचे बंद हुआ देन डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर हमें 6 रुपये या 7 रुपये के लेबल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट लेबल्स ऑल्सो। अगर जो लोग समझते हैं कि इतना रिस्क नहीं ले सकते तो आप एग्जिट करके 6 और 7 रुपये के लेवल पर री एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज जब तक ये काउंटर 14 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा इसमें स्टिल वीकनेस बनी रहेगी। तीसरा आता है बामा, ये आईटी नेटवर्किंग एंड इक्विपमेंट सेगमेंट का स्टॉक है। आज लगभग 8% गिरावट आई है इस काउंटर के अंदर, 13.27 के प्राइस पे ये काउंटर चल रहा है। और इस काउंटर में अभी फिलहाल अगर मैं आपको बताता हूँ तो इस काउंटर का जो लेवल है वो लगभग 10 रुपये के आसपास ये काउंटर आ सकता है आने वाले दिनों में कंसोलिडेट होगा। पीछे काफ़ी तेज़ी दिखाई इसने, फिर इस एरिया में जाके इसने कंसोलिडेशन लिया जो कि लगभग 15 रुपये से 15.5 रुपये का लेवल था, और अब स्टॉक ने गिरना शुरू किया है और आज का जो कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल इंडिकेशन दे रहा है, और यहाँ से काउंटर के अंदर हमें 9.5 से 10 रुपये के लेवल आने वाले दिनों में बामा इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर वामा इंडस्ट्री के बारे में भी हम लोग एक बार इसके नंबर्स को देख लेते हैं। वामा 69 करोड़ की है इसका टोटल मार्केट कैपिटल, 3 की बुक वैल्यू है। इसकी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का हम आपको देखेंगे कि प्रमोटर्स को कितना बिलीफ है कंपनी के ऊपर, लगभग 42-43% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है और 45-46% के आसपास लगभग इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडिविजुअल्स काउंटर के अंदर हैं। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो फाइनेंशियल्स में हम लोग सबसे पहले डेट को आपको दिखाएंगे कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, और आप देखेंगे कंपनी के ऊपर लगभग 5.5 करोड़ के आसपास का कर्जा है जो कि पिछले बार 11 करोड़ था, यानी कि कंपनी ने लगभग 6 करोड़ का कर्ज कम किया है इस बार। इसके अलावा जो बुक वैल्यू है कंपनी की, पिछली बार लगभग 3 की बुक वैल्यू थी जो कि इस बार बढ़कर 3.76 की बुक वैल्यू हो चुकी है। हालांकि पिछले 5 साल के मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो बुक वैल्यू अभी काफ़ी निचले स्तर पर चल रही है। ईयरली नंबर्स की बात करते हैं तो मार्च 18 में कंपनी को 68 करोड़ का सेल्स हुआ था, जबकि मार्च 17 में 43 करोड़ का ही सेल्स था। प्रॉफिट 1.96 करोड़ से बढ़ के मार्च 17 में 6.34 करोड़ पहुंच गया था, जो कि एक शानदार परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके क्वार्टरली नंबर्स की बात, अगर हम जून क्वार्टर के नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों जून क्वार्टर में लास्ट ईयर 8 करोड़ के आसपास 8-8.5 करोड़ के आसपास की सेल्स थी जो कि इस बार घट के 7 करोड़ रह गई, और जो प्रॉफिट था वो लगभग 3.5 करोड़ से घट के केवल 49 लाख रह गया। सो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन में कहीं ना कहीं ज़बरदस्त प्रेशर है बामा इंडस्ट्री के ऊपर, और मुझे लगता है कि इस काउंटर में भी आगे हमें आने वाले टाइम में प्रेशर देखने को मिलेगा। इस काउंटर का जो एग्जिट स्टॉप लॉस मैं अब आपको बताऊंगा, अगर कोई स्टिल होल्ड किया हुआ है तो आप लगभग 8 रुपये के 7.5 रुपये के आसपास में एग्जिट स्टॉप लॉस बना सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी भी एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि ये काउंटर लगभग 10 रुपये 9.5 रुपये के आसपास आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। तो अगर आप लोग एग्जिट करना चाहते हैं तो आप लोग इस काउंटर से निकल सकते हैं और 9 रुपये के आसपास री एंट्री ले सकते हैं,
और बाकी अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, तो जो फाइनल एग्जिट स्टॉप लॉस होगा वो काउंटर का 7 रुपीज़ 50 पैसा फाइनल एग्जिट स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हमने 3 काउंटर जो कि 20 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहे हैं उसमें बाई होल्ड एंड सेल की आपको एडवाइस की है, जहाँ पर वामा इंडस्ट्री को मैं कहता हूँ कि अभी आप एग्जिट कर सकते हैं, आपको ये काउंटर 9 रुपीज़ के आसपास दोबारा देखने को मिल सकता है। भाई केसर पेट्रो में अगर काउंटर 11 रुपये के नीचे की क्लोजिंग देता है अक्टूबर मंथ में तो हमें 6 से 7 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम केसर पेट्रो के फंडामेंटल अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर क्रूड लोअर लेवल पे आता है या कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज करती है, प्रॉफिट मार्जिन पे चेंज करती है और उसके हिसाब से नई स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ती है आने वाले समय में, तो काउंटर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बट आपको उसके लिए लगभग 2-3 क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो तीसरा है अवन मोरे कैपिटल, ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल काउंटर है। फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी वीकनेस आ चुकी है, लेकिन एक बार जैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी आएगी ये काउंटर आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाएगा। तो 12 रुपये के एग्जिट स्टॉप लॉस के साथ एवन मोरे के अंदर आप होल्ड कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पर एवरेजिंग डाउन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों काउंटर उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे, आप अपना डिसीजन बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि जिन लोगों के पास भी ये काउंटर्स हैं वो अपनी राय बना पाएँ और क्या डिसीजन लेना है वो डिसाइड कर पाएँ, सो दैट कि उनकी कैपिटल भी सेव हो पाए। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं कुछ और नए रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।